अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आमिर है, मैं मुंबई से हूँ। एक सवाल है, क्या फ़र्ज नमाज के बाद सुन्नत के लिए जगह तब्दील करना ठीक है? आप बराए मेहरबानी इसका जवाब दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे आमिर भाई हैं जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सवाल में पूछ रहे हैं कि क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हम सुन्नत पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जगह चेंज करना ज़रूरी है कि नहीं है, और जगह चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सुन्नत के लिए न सिर्फ जगह चेंज करना चाहिए बल्कि मस्जिद ही छोड़ देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि भाई आप फ़राइज़ मस्जिद में पढ़ो, लेकिन सुन्नतें कहाँ पढ़ो? आके घर पर पढ़ो। सुन्नत घर से पढ़ के मस्जिद में जाओ, और मस्जिद में जब फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाए तो घर पे आके सुन्नत पढ़ो। ये बेहतरीन तरीका है कि सुन्नतें कहाँ पढ़ना चाहिए? घर पे पढ़ना चाहिए, और मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद में भी सुन्नत पढ़ना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है, मस्जिद में भी सुन्नत पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ बेहतर यही है कि सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में फ़ासला रखे। सही मुस्लिम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी ने अगर एक नमाज पढ़ ली, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली, अब दूसरी पढ़ना चाहता है तो कलाम के ज़रिए या जगह बदल करके उसमें फ़स्ल लाए, यानी दोनों नमाज़ों के बीच में एक अलहदगी करे, दोनों को अलग करे। तो अलग करने का दो ज़रिया हो सकता है, एक ये कि फ़र्ज़ पढ़ा उसके बाद जगह चेंज कर दिया, कहीं और चला गया और वहाँ उसने सुन्नत पढ़ी, ये एक तरीका है, ऐसा करना चाहिए। दूसरा है कि उसी जगह पे भी खड़े होकर वो सुन्नत पढ़ सकता है, लेकिन क्या करे, फ़र्ज नमाज के बाद जो थोड़ी देर बैठा है वो किसी से गुफ्तगू कर ले, बात कर ले। तो गुफ्तगू के ज़रिए भी फ़र्ज़ और सुन्नत में फ़र्क हो सकता है, और जगह चेंज करके भी फ़र्ज़ और सुन्नत में फ़र्क हो सकता है। तो फ़र्क करना चाहिए, जो अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम की हदीस में कहा है कि फ़र्ज़ और सुन्नत को बिल्कुल मिलाना नहीं चाहिए, फ़र्क करना चाहिए, कलाम के ज़रिए या जगह तब्दील करने के ज़रिए फ़र्क करना चाहिए। तो भाई ने जो सवाल पूछा है कि क्या सुन्नत के लिए जगह जो बदली जाती है वो ठीक है कि नहीं, तो ये ऐन हदीस के मुताबिक है, सुन्नत के लिए जगह बदलनी चाहिए, ये बेहतर है। बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर बात जो मैंने शुरू में कह दिया, न सिर्फ ये कि मस्जिद में जगह तब्दील करें बल्कि सीधा मस्जिद छोड़कर आप घर पे आ जाएं, इसकी ज़्यादा हौसला अफजाई की गई है इस्लाम में। तो जगह बदलना चाहिए, ये बेहतर बात है। उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा।